हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। और आज का जो वीडियो है, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट गोवा। और अगर आपको गोवा जाना है, गोवा जाना किसको नहीं पसंद होगा, सबका जो अपना हेक्टिक वर्क लाइफ है वहाँ से थोड़ा निकल कर जो है सबको मन करता है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, या तो एज ए कपल अगर जा रहे हो थोड़ा टाइम स्पेंड एंजॉय कर सकते हो वहाँ पर जाकर। और सबको एक रिलैक्सेशन चाहिए होता है लाइफ में कभी कभी, तो गोवा तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ पर जाके। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि खर्चा कितना होने वाला है अगर गोवा का ट्रिप आप प्लान कर रहे हो, और आपका खर्चा कितना होगा, और एक जो स्टैंडर्ड एक आइटनरी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जा रहे हो, आपके पास मान लो 6-7 दिन का टाइम है या तो 2-3 दिन का टाइम है, और दो इतना टाइम में आप कितना कुछ घूम सकते हो गोवा में। और वैसे तो गोवा में बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए है, आप ट्रैकिंग पे जा सकते हो, वाटरफॉल्स होता है, बहुत सारा हाइकिंग के लिए ऑप्शन है। अगर आप बीच लवर हो तो बीच का तो आप पूछो ही मत, इतना खूबसूरत खूबसूरत बीचेस है गोवा के। और आपको बंजी जंपिंग वगैरह करना है तो बहुत कुछ एक्टिविटी है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली दो सबके लिए, एक बजट ओरिएंटेड एक आइटिनरी हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग ने भी खुद हम लोग यूज़ किया था, और जब हम लोग गए थे हम लोग का कितना खर्चा हुआ था, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो गोवा आप बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन और बाई रूट से भी जा सकते हो। हम लोग गए थे बाई फ्लाइट, जिसका हम लोग चेन्नई से गए थे, तो उसका प्राइस हम लोग को पड़ा था लगभग 1600 पर पर्सन। थोड़ा चेन्नई से गोवा का जो है फ्लाइट का कॉस्ट थोड़ा चीप होता है, हम लोग का वैसे तो 2-2.5 हज़ार के आसपास होता है, कभी कभी ऑफर निकलता है, तो हम लोग का जो है आने जाने का फ्लाइट का कॉस्ट जो है 6,000 में दोनों का अप एंड डाउन हो गया था। सो पहला दिन आपका आइटिनरी कुछ ऐसा होगा, आप लोग पहुंचेंगे गोवा, और कोशिश कीजिए कि गोवा थोड़ा जल्दी पहुंचने का, अराउंड दोपहर तक अगर पहुंच जाए और शाम के 4 बजे तक अगर भी पहुंच जाए तो आपके लिए एक उस दिन भी बहुत टाइम बच जाएगा बहुत कुछ जो है एक्टिविटी करने के लिए। पहला दिन हम लोग जा गए थे नॉर्थ गोवा, तो वहाँ पर जो बागा बीच के सामने हम लोग ने होटल बुक कराया था, उसका नाम है कोस्टल स्टेज होटल का, और उसका जो प्राइस पड़ा था हम लोग को वो 3 नाइट्स का हम लोग को पड़ा था 4,000 रुपये, अराउंड यू कैन से 1300 रुपये करके कुछ आया था हम लोग का। उसमें जो ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं था, तो फूड इंक्लूडेड नहीं था उस होटल पर, क्योंकि वो बीच साइड पे था, बहुत वॉकेबल डिस्टेंस में था, बागा बीच से लगभग 500 मीटर दूरी था, और हम लोग ने होटल बुक किया तो बीच के सामने, क्योंकि गोवा का जो नाइट लाइफ होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, सब कुछ जो रात को 10 बजे के बाद ही जो है लोग पूरा वहाँ पर जो माहौल ऐसा रहता है, पूरा एकदम पार्टी शार्टी माहौल, एकदम पूरा हैपनिंग जो लाइफ वहाँ पर जो है रहता है रात के टाइम। सो हम लोग चाह रहे थे कि होटल जो है थोड़ा बीच के सामने हो, तो रात को जब हम लोग रिटर्न करेंगे तो दिक्कत ना हो। वैसे तो आपको पूरा रात भर वहाँ पर कैब ऑटो टैक्सी वगैरह मिल जाता है। सो एयरपोर्ट से बागा पहुँचने तक का जो हम लोग का कैब चार्जेस पड़ा था वो हम लोग ने पे किया था 1100 रुपीज़। वैसे तो वहाँ गोवा में जो उबेर ओला वो सब चलता नहीं है, तो एक ऐप होता है गोवा माइल्स करके, उसके थ्रू जो है आप बुक कर सकते हो। लोकल जो बाहर के जो टैक्सी वाले होते हैं उनसे जो है थोड़ा प्राइस कम होता है जो। और अगर आप चाहते हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। गोवा एयरपोर्ट से पंजिम और कलंगुट के लिए जो है बस निकलती है, और जिसका प्राइस जो है 150 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। तो पहला दिन आप जाके पहुँचे बागा अपने होटल पर, पहुँचने के बाद आप जो है रेस्ट कीजिए, थोड़ा फ्रेशन अप हुई है, थोड़ा चाय कॉफ़ी पीजिए, और जो है उसी दिन शाम को जो है आप कैसीनो के लिए निकल जाइए। क्यों कैसीनो उस दिन? क्योंकि कैसीनो का जो रूल्स है, अगर आपके पास कोविड वैक्सीन का दोनों जो डोज लिया हुआ है तो आप जा सकते हो सर्टिफिकेट दिखा कर, आपको जो कोई आरटीपीसीआर रिपोर्ट टेस्ट नहीं करवाना पड़ता है। जब हम लोग गए थे वैसा रूल्स था कि आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए होता है कैसीनो जाने के लिए, और हम लोग के पास जो है जिस दिन हम लोग
पहुंचे उस दिन तक तो हम लोग का था, अगर हम लोग बाद में जाते तो वो RT-PCR जो है वैलिड नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं थे, सिर्फ हम लोग एक डोज लगा हुआ था। अगर आपको एक डोज लगा हुआ है तो आपको जो RT-PCR रिपोर्ट चाहिए होता है। सो पहला दिन जाने से अच्छा क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी RT-PCR रिपोर्ट है, आपको वो फिर से करवाना नहीं पड़ता है, तो उसी दिन जो है आप जाके कैसीनो घूम के आराम से आ सकते हो। वहाँ से आपको कैब मिल जाता है बहुत सारा, जो आपको कैसीनो से जो है आपका होटल बागा तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला दिन जो है आप कैसीनो घूम लिए, सेकंड दिन जो है आप जाइए कलंगुट बीच या तो बागा बीच, फिर से वहाँ पे बहुत सारे जो है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होता है, तो आप जाके वहाँ पर जो एंजॉय कर सकते हो उसको। और उसका प्राइसेस को डिपेंड करता है, वेरी करता है, लाइक हम लोग जब गए थे पहली बार 2019 में, उस टाइम पे जो है उसका प्राइस हम लोग ने पे किया था 1300 कुछ, और इस बार जब पूछे तो उसका प्राइस 1500 था। तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है बेस्ड ऑन द सीजन। तो उसमें जो कि चार तरह का राइड होता है, लाइक पैरासेलिंग, फिर जेट स्की और बनाना राइड, और एक कुछ होता है बम्पर राइड या कुछ होता है, एक ट्यूब वाला राइड होता है। तो वैसा चार राइड होता है, 1500 रुपये मान के चलिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन द सीजन। तो वो जो है आप एक्टिविटी कर सकते हो पूरा दिन भर, और उसके बाद जो है वहाँ पर शैक्स पे जो है आप थोड़ा जो है अपना चिल आउट कर सकते हो, आप खाना पीना कर सकते हो, लंच कर सकते हो, फिर होटल आकर जो है आप थोड़ा रेस्ट होके शाम को निकलिए आप अंजुना बीच के लिए। तो अंजुना बीच, वेगेटोर बीच, और अगर चपोरा फोर्ट जाना है आपको, वो बीच सामने सामने ही है सारे बीचेस। और चपोरा फोर्ट आप एक स्कूटी हायर कर लीजिए, हम लोग ने स्कूटी हायर करा दो दिन के लिए, जो हम लोग को पड़ा था 600 रुपये, 300 रुपये पर डे का। और उसके बाद जो है आप अंजुना बीच के सामने फ्ली मार्केट है, वहाँ पर भी जा सकते हो, और नाइट मार्केट भी होता है गोवा का, अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो, और बहुत कुछ जो है शॉपिंग करने के लिए आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और फिर आप अंजुना बीच, वेगेटोर बीच और चपोरा फोर्ट घूम के जो है आप अपने होटल पे आइए, और तो रेस्ट करके जो है शाम को निकले आप टीटोस लेन या तो बागा के साइड में जो है जितने सारे क्लबिंग, अगर आपको पसंद है क्लब जाना या पार्टी करना है तो आप कर सकते हो, या तो बीच पे जाके जो है आराम से शेक पर जो है बैठ के एंजॉय कर सकते हो, अपना इवनिंग स्पेंड कर सकते हो। और यह हो गया आपका डे टू खत्म। तो डे थ्री जो है आप एक्सप्लोर करेंगे पंजिम सिटी, और ऑन द वे पे जो है बहुत कुछ सारे एक्टिविटी आप फिर से कर सकते हो, लाइक अगर आपको डॉल्फिन राइड करना है तो वो भी कर सकते हो आप। ऑन द वे पे जो है आपको एक जगह मिलेगा जहाँ पर जो है डॉल्फिन राइड होता है, जो आपको लेकर जाता है समुद्र के एक पॉइंट पर जहाँ पे जो है डॉल्फिन दिखता है। हम लोग गए थे पहली बार तो हम लोग को डॉल्फिन दिखा था, एक दो ज़्यादा दिखा नहीं था, लेकिन आप जा सकते हो, डिपेंड होता है टाइम टू टाइम सीजन, कभी कभी होता है जो दिखता है बहुत सारे डॉल्फिन, तो आप जा सकते हो। और फिर अगुआडा फोर्ट, अगुआडा जेल भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और फिर आप वहाँ पर रीस मैगोस फोर्ट भी है, वो भी बहुत ही अच्छा, रीस मैगोस चर्च, रीस मैगोस फोर्ट, बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है वहाँ से रीस मैगोस फोर्ट के ऊपर से, आपको पूरा एक साइड से रिवर मंडो भी रिवर पोर्ट दिखेगा सारे कैसिनोज, और एक साइड से जो है आपको पूरा मीरामार बीच और पूरा पंजिम सिटी का जो बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है वहाँ से, तो ज़रूर जाइए। फिर जो है आप जाइए बहुत ही एक फेमस चर्च, जो आपने बहुत सारे मूवीज़ में भी देखा होगा, लाइक पंजिम चर्च, तो वहाँ पर भी जा सकते हो आप इवनिंग पर। और उसके बाद जो है शाम को फिर अपने होटल आइए और रेस्ट करके जो है फिर से जो है आप अगर क्लब जाना है, आपको पार्टी करना है या तो बीच बैठना है, फिर से जो है आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो इवनिंग को जैसे आपको पसंद है। सो ये हो गया आपका नॉर्थ गोवा का आइटिनरी 3 दिन के लिए। तो अगर आपको साउथ गोवा नहीं जाना है तो सिर्फ नॉर्थ गोवा जाना है तो नॉर्थ गोवा घूम के जो है आप फिर रिटर्न कर सकते हो, अगर आपके पास सिर्फ 3 या 4 दिन का टाइम है, और आपके पास और भी अगर ज़्यादा टाइम है, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, 6 दिन के लिए जा रहे हो, तो जो है आप साउथ गोवा को भी इंक्लूड कर सकते हो। सो डे 4 में जो है हम लोग गए थे नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा वाया ओल्ड गोवा। सो ओल्ड गोवा होकर जो हम लोग गए थे वहाँ पर जो बहुत सारे चर्चेस है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, और भी आर्कियोलॉजिकल एक सर्वे का एक जो है म्यूजियम था, और स्पाइस ऑन द वे पे जो हम लोग स्पाइस गार्डन भी एक्सप्लोर किए थे गोवा का, वो भी एक बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ पे आप जा सकते हो, आपको बहुत सारे स्पाइसेस के बारे में पता चलेगा, और आपको अगर खरीदना है स्पाइसेस तो वहाँ पे जो है खरीद सकते हो, वो लोग खुद बनाते हैं, अपना खुद का स्पाइस का गार्डन है वहाँ पे जो है आप खरीद सकते हो। और वहाँ पर जो है अनलिमिटेड खाने का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, आई थिंक कुछ 400 या 500 रुपये पे करना पड़ता है, जिसमें जो अनलिमिटेड वेज नॉन वेज खाना मिल जाता है, और बहुत ही जो टेस्टी और बहुत ही जो ऑथेंटिक खाना बनाते हैं वो लोग, पूरा एकदम अपने ही जो मसाले से जो है बनाते हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी, तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप सारे चर्चेस वगैरह एक्सप्लोर करके फिर जब पहुँच गए पलोलिम बीच डायरेक्ट। नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाने का जो हम लोग का टैक्सी का फेयर पड़ा था वो था, हम लोग ने पे किया था 2500 रुपये, जो कि पूरा दिन के लिए, मतलब हम लोग को जो है पूरा ओल्ड गोवा, स्पाइस गार्डन सब घुमा के जो हम लोग फिर साउथ गोवा गए। सो पलोलिम बीच जो है एकदम साउथ गोवा के एकदम एंड पर है, वहाँ से जो कर्नाटक का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, और तो पलोलिम बीच के सामने जो है बहुत सारे आपको कॉटेजेस, आपको जो हट्स और होटल्स मिल जाता है। सो आप कोशिश कीजिए एक कोई हट या कॉटेजेस बुक करने के लिए जो एकदम बीच साइड हो, वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है,
पलोलिंग बीच बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही साउथ गोवा का बहुत फेमस बीच है मान सकते हो, एंड बहुत ही अच्छा बीच है। तो आप कोशिश कीजिए एक कॉटेज लेने के लिए बीच साइड। हम लोग ने लिया था एक पैसिफिक सनसेट व्यू करके एक कॉटेज था, जिसका प्राइस पड़ा था हम लोग को 1500 रुपये, और हम लोग एकदम बीच के सामने था, बहुत ही खूबसूरत था। मतलब आप कॉटेज पे बैठ के जो अपना पूरा दिन निकाल सकते हो, आप कहीं पे जाने का मन नहीं होगा, एकदम वहाँ से पूरा बीच दिखता है पलोलिम बीच, और इतना खूबसूरत है वो जगह कि क्या ही बताए। डे 5 को जो है आप एक फिर से वहाँ पर जाके जो है एक स्कूटी हायर कीजिए, सो सेम प्राइस उतना ही पड़ेगा आपको 300 रुपये। सो उस दिन जो है आप एक स्कूटी हायर करके जो है आप जा सकते हो गोवा के बहुत सारे हिडन बीचेस है। लाइक वैसे तो बहुत सारे हिडन बीचेस है, बट एक दो बीचेस है जहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी आप मस्त जाइए, बहुत ही खूबसूरत बीचेस है साउथ गोवा के। पहला तो हो गया आप वहाँ से जा सकते हो बटरफ्लाई बीच। अब बटरफ्लाई बीच जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक आप जा सकते हो वाया यू नो ट्रैकिंग करके, तो थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब आपको आधा घंटा से जो 40-45 मिनट जो है आपको चलना पड़ता है जंगलों के बीच से होते हुए, थोड़ा टफ होता है। कभी कभी जब बारिश का मौसम हुआ तो बहुत दिक्कत होता है, मतलब पानी भर जाता है एकदम, तो बहुत हालत ख़राब हो जाता है। या तो एक और ऑप्शन होता है कि आप बाय बोट भी जा सकते हो, जो पलोलिम से आपको मिल जाता है बोट, कुछ प्राइस होता है मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, हम लोग तो ट्रैकिंग करके गए थे, तो ये भी एक ऑप्शन है, जब पलोलिम बीच जाके पूछोगे किसी से तो वो बता देंगे आपको। उसके बाद जो है फिर आप जा सकते हो अगोंडा बीच, तो वो भी सामने ही है, लगभग 3-4 किलोमीटर के सामने ही है, भी खूबसूरत बीच है, लेकिन हम लोग को बटरफ्लाई बीच को ज़्यादा ही अच्छा लगा था। तो पलोलिम बीच से निकल के जो है आप वहाँ पर एक एक्टिविटी होता है ईगल फीडिंग करके, वो पूरा जो आपका राइड होगा वो बहुत ही सुकून वाला राइड होगा, कोई आसपास कोई नहीं होगा, एकदम शांति, पूरा बैक वाटर मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर होते होते आप लोग जाएंगे, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। उसका प्राइसेस कुछ पड़ता है 1200 रुपये पर बोट का, और एक बोट में लगभग 8 लोग जगह हो जाते हैं, और बहुत अमेजिंग एक्टिविटी था। हम लोग को पहले लगा था कि कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा, बट ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, आप ज़रूर कीजिए वो एक्टिविटी। आपको जो है पूरा पलोलिम के पीछे जो बैक वाटर है, पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट के बीचों बीच होकर आपको लेके जाएंगे एक बोट से। लेके जाने के बाद एक पॉइंट आता है, वहाँ पर जो है ईगल को फीड किया जाता है, वो लोग कुछ खाना फेंकेंगे, ईगल सब आते खाते, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, आपको कितने सारे ईगल दिखेंगे आपको। सो डे 6 में जो है आप जाएंगे पलोलिम से वर्का। अब वर्का क्यों, क्योंकि वर्का जो है थोड़ा टूअर्स नॉर्थ पे पड़ता है और एयरपोर्ट भी सामने है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा जब आप रिटर्न करेंगे। पलोलिम से वर्का जाने के लिए जो है आप एक कैब बुक करा लीजिए, और उसका जो प्राइस पड़ेगा कुछ 1000 रुपये पड़ेगा, हम लोग इतना ही पे किया था। और ऑन द वे पे जो आप कोला बीच एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही खूबसूरत बीच है, हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। वैसे तो कोला बीच आप डे 5 को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक आफ्टर अगोंडा बटरफ्लाई करके आप कोला बीच भी जा सकते हो अगर आपके पास टाइम होता है, वरना आप डे 6 में जो है ऑन द वे पे कर सकते हो एक्सप्लोर उसको, लेकिन मस्ट करना। थोड़ा ट्रैक उसमें भी थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, लाइक थोड़ा क्लिफ्स जो है नीचे आना पड़ता है, तो थोड़ा उसमें चलना पड़ता है, बट वैसे तो बहुत अच्छे, हम लोग जा नहीं पाए लेकिन हम लोग सुने भैया बता रहे थे। तो बर्का बीच के सामने जो आपको बहुत सारे होटल्स का ऑप्शन मिल जाता है, हम लोग ने बुक किया था मैजेस्टिक इको कंफर्ट करके एक होटल था, हम लोग ने पे किया था 2000 रुपये पर नाइट का, और बहुत ही अच्छा होटल था, मतलब बहुत अमेजिंग, इतना मतलब इको फ्रेंडली होटल था, पूरा जो है हर एक रूम जो है वुड से बना हुआ था और बहुत ही अच्छा था, और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था उसमें। और फिर हम लोग होटल पहुंच के हम लोग ने एक हायर स्कूटी हायर कर लिया था वर्का से, हम जिसका प्राइस हम लोग ने पे किया था 250, हम लोग ने बोला कि बस आधे दिन के लिए चाहिए, तो 250 रुपये में जो हम लोग ले लिए थे, लेकर हम लोग गए थे कोलवा बीच और आसपास के जो सारे बीचेस हम लोग एक्सप्लोर किए। करने के बाद हम लोग गए थे वर्का बीच भी, वर्का बीच भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत कम लोग थे, एकदम लोग थे ही नहीं, बोल हाँ गिने चुने लोग थे, और बहुत ही खूबसूरत बीच था, क्लीन और बहुत ही अमेजिंग, आप जा सकते हो ज़रूर, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा उस बीच पे जाकर। सो ये हो गया हम लोग का ट्रिप गोवा का 6 दिन का, जहाँ पर हम लोग ने 3 दिन नॉर्थ गोवा पे रहे और 3 दिन साउथ गोवा पर। जो टोटल खर्चा हुआ था हम लोग का वो है 14,250 रुपये, सो जो कि है होटल कैब्स और सारी चीज़ रेंट, स्कूटी रेंट वगैरह जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो चाहिए चाहिए आपको। और उसके बाद जो है आप अलग से जो है आप एक्टिविटी वगैरह कर सकते हो, लाइक अगर कसिनो जा रहे हो तो कसिनो का प्राइस पड़ेगा कुछ अगेन 2500-3000 रुपये पर पर्सन का, और फिर आप वाटर स्पोर्ट करें तो उसमें भी खर्चा आएगा आपका जो है 1500 रुपये पर पर्सन का। और उसके बाद अगर आप ईगल फीडिंग करते हो, हम लोग ने किया था, तो वो था हम लोग का 1200 रुपये पे किए थे हम लोग पूरा बोट के लिए, तो ये मान के चलिए, तो अगर ज़्यादा लोग हुए तो वो कम में हो जाएगा और भी। तो सब कुछ मिलाकर जो है आप मान सकते हो कि आपका जो है पूरा गोवा का ट्रिप का कॉस्ट जो है, खाना पीना मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि खाना पीना अभी आपके ऊपर है, आप कितना खर्चा करते हो, कितना पार्टी करते हो, वो सब चीज़ जो
सबके अलग अलग होते हैं, तो खाना पीना छोड़ के जो है जो कॉस्ट आएगा पर पर्सन का वो लगभग 10,000 के नीचे ही होगा, अराउंड कुछ 9,000 कुछ होगा आपका कॉस्ट। सो यही था, और शायद आपको भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको कितना खर्चा आएगा, अगर ज़्यादा लोग हो तो कम होगा, अगर कम लोग हो तो थोड़ा इतना ही कुछ आएगा, तो वही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।